हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, बिहार एसएससी के तरफ से अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कुछ आदेश लिखे हुए हैं। जो भी अधिकारी यहां पर छटनी का, जैसे अभी काउंसलिंग खत्म हुआ, उसके बाद अब क्या करना है कि काउंसलिंग में जो एक चेकलिस्ट मिला है, ठीक है, काउंसलिंग में एक टीम के द्वारा एक चेकलिस्ट तैयार किया गया है जिसमें यस नो यस नो यस नो ऐसा करके उसमें लिखा गया था, तो उस चेकलिस्ट के साथ अभी डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाएगा। बीएसएससी के तरफ से उसी के लिए एक आदेश निकाला गया है कि अगर आपको कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है तो आपको मान्य करना है कि नहीं करना है। तो ये जो लेटर है उन अधिकारी उन कर्मचारियों के लिए है जो छटनी में भाग ले रहे हैं, यानी कि जो छटनी का काम करेंगे उनके लिए ये लेटर निकाला गया है। उनको ये आदेश दिया गया है कि आपको किस सर्टिफिकेट को मान्य करना है, किसको मान्य नहीं करना है। तो देखिए, हम लोग अभी उस लेटर को देखेंगे, उस लेटर में आखिर क्या कहा गया है, हम लोग उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरे हाथ में अभी है लेटर, तो इसमें क्या कह रहा है कि 31 एक नंबर पे, देखिए एक नंबर पे लिखा हुआ है कि 31/10/2014 के बाद का अगर इंटरपास का सर्टिफिकेट कोई दे रहा है, 31/10/2014 के बाद के इंटरपास का सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसको मान्य नहीं करना है, किसी भी सूरत में उसको मान्य नहीं करना है, यानी कि उसका उसको आप बाहर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, दो नंबर पे है कि जैसे चेकलिस्ट, जैसे फॉर्म भरा था आपने और उसमें आपने यस नो किया था, आपके पास कौन सा योग्यता है, कौन सी सर्टिफिकेट है, टाइपिंग है कि नहीं है, तो चेकलिस्ट में आपने यस नो किया था। मान लीजिए कि आपने उस समय किसी भी सर्टिफिकेट में आपने नो कर दिया था, लेकिन अभी वो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो आप का इस सर्टिफिकेट पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, यानी कि वो मान्य नहीं होगा, उसको आपको देखेगा भी नहीं कि आपने क्या दिया क्या नहीं। अब नो किया मतलब नो है, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप दे रहे हैं उसको संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इंटर पास के कॉलम में 1, 2, 3, 4 अंकित था, ठीक है, जैसे इंटर पास के कॉलम में 1, 2, 3, 4 में टिक करना था टीम के द्वारा जो काउंसलिंग में किया जा रहा था। तो 1 का मतलब था कि इंटरमीडिएट पास, 2 का मतलब था कि इंटर या समकक्ष, 3 का मतलब था कि इंटर हिंदी विषय के साथ, और 4 का मतलब था इंटर उर्दू विषय के साथ। तो इसमें क्या करना था, इसमें जो अभी जो काम किया जाएगा, तो मान लीजिए कि जो टीम वर्क हुआ था उसमें गलती से दूसरा, मान लीजिए 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया, तो उसको मिलान करके उसमें सही ढंग से आपको 1, 2, 3, 4 दिया जाएगा। अगर आप इंटर पास हैं तो आप में 1 आएगा, यानी कि आपने इंटर पास का सर्टिफिकेट दिया है। अब इंटर पास अगर हिंदी के साथ हैं तो आपका 3 होगा, 3 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें किया जाएगा। उसके बाद सबसे मेन है एनसीएल के बारे में, जितना भी अभी आंदोलन हो रहे हैं सब एनसीएल को लेकर के हो रहे हैं, केस भी हो रहे हैं तो एनसीएल को लेकर के हो रहे हैं, यानी कि एनसीएल 2014 के बाद का मान्य करने का यहां पर कहा गया था। देखिए, इसमें 4 नंबर पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है कि एनसीएल 2014 के बाद का अगर किसी ने दिया है तो उसमें क्या करना है कि टीम जो प्रतिवेदन किया था, यानी टीम जो काउंसिलिंग किया है, तो उसमें वाट, यानी कि जो साइन अप इंट्रोगेशन है, वाट का चिन्ह लगा करके छोड़ देना है, उसमें कुछ करना नहीं है अब। यानी कि यहां से साफ हो रहा है कि कोर्ट का जो सुनवाई है 11 तारीख को हाई कोर्ट का, उसके बाद ही इस पर कोई भी विचार किया जाएगा, मान्य होगा कि नहीं होगा, उसमें आपको साइन अप इंट्रोगेशन वाट का चिन्ह लगा करके छोड़ देना है। 5 नंबर में देखिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है अगर 2014 के बाद का दिया है तो वो मान्य किया जाएगा। यहां पर एससी एसटी वालों के लिए काफी यहां पर छूट दिया जा रहा है, 2014 के बाद का एससी एसटी सर्टिफिकेट भी चलेगा। अब देखिए, डीसीए के बदले अगर कोई एडीसीए दिया है, कोई पीजीडीसीए दिया है या कोई बीसीए सर्टिफिकेट दिया है तो उसको मान्य किया जाएगा, ठीक है। यहां पर एमएस ऑफिस टाइपिंग ये सब का तो कोई बात ही जिक्र ही नहीं है, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। डीसीए का है, डीसीए के बदले अगर कोई एडीसीए पीजीडीसीए या बीसीए सर्टिफिकेट दिया तो वो मान्य किया जाएगा। अब देखिए, अब दिव्यांगजनों के लिए है कि 2014 के बाद का अगर डीक्यू सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो भी मान्य किया जाएगा। अब देखिए, 31/10/2014 के पूर्व का सत्यापित, जैसे सर्टिफिकेट आपने एनसीएल सर्टिफिकेट दिया जो कि 2014 के पहले का है,
लेकिन आपके पास उसका मूल प्रति नहीं है, उसका फोटोकॉपी आपके पास है, लेकिन आपने अंचलाधिकारी से उसको सत्यापित करा करके दिया है, तो भी उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक के बाद अगर आपने डिप्लोमा किए हुए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उसको आप इंटर के समकक्ष मान करके आप अगर इसको दिए हुए हैं तो वो मान्य नहीं होगा, वो इंटर के समकक्ष नहीं होता है। अब देखिए मैट्रिक या इंटर का मूल प्रमाण पत्र आप अगर देने में सक्षम नहीं है, चाहे कारण कोई भी हो, कारण कोई भी हो, नियोजन गल गया हो, सर गया हो, नष्ट हो गया हो, खो गया हो, कुछ भी कारण से अगर आप इंटर या इंटर और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रवेश पत्र अगर आपके पास पीटी का नहीं है, मेंस का है, मेंस का नहीं है, पीटी का है, या दोनों नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये मान्य होगा, लेकिन रिमार्क में ये लिखा जाएगा कि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लंबा सा यहाँ पर 11 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो लगभग इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस एक डाउट अभी भी बना हुआ है, 4 नंबर पॉइंट का डाउट बना हुआ है कि 2014 के बाद का एनसीएल का क्या होगा, तो उसमें अभी भी डाउट बरकरार रखा गया है कि व्हाट यानी कि साइन अप इंट्रोगेशन का डिजिट डाल करके छोड़ना है, कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में अभी डाउट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों मैं अभी घर पे हूं, क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर में यहीं से वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप ऐसे ही रेलवे SSC का पल पल का अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।